Good afternoon, students. Welcome back to online classes of science subject. In the previous class, what we learned? We learned about the change of state of matter and process constantly. How can change water into gases? मतलब water boil होता है, उसके बाद उसका evaporation होता है, boiling होने के बाद उसका evaporation होता है. और इवेपोरेशन मतलब जो बाफ निकलती है वो होती है हमारी गैसेस. ओके, सो वाटर को हीट देने के बाद क्या होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है. नाउ वी आर गोइंग अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट प्रोसेस इज द गैसेस टू लिक्विड. चेंज ऑफ गैसेस टू लिक्विड मतलब हमने पहले लिक्विड टू गैस मतलब वाटर कैसे लिक्विड मतलब वाटर ये गैस कैसे बनते हैं, वाटर वेपर कैसे बनता है उससे ये हमने पढ़ा था. अब उसका रिवर्स है मतलब कि वाटर वेपर जो है वो गैस जो है वो फिर से वाटर वाटर एज इट इज में अपने अपने स्टेट में कैसे आती है. ओके, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27. ओके, पेज नंबर 27 ओपन की टेक्स्ट बुक का ओपन कीजिए और थोड़ा सा केयरफुली मैं क्या बोल रही हूँ वो सुनिए. ओके, गैसेस टू लिक्विड मींस वाटर वेपर टू वाटर मतलब ये प्रोसेस जो है वो फिर से रिवर्स आ रही है. प्रीवियस क्लास में हमने वो क्या पढ़ा था, पहले वाटर को हमने पहले हीटिंग किया था एंड दे क्या हुआ था कि वाटर वेपर मतलब वाटर जो है वो बॉइल होने लगता है, दे स्टार्ट बॉइलिंग आफ्टर सम टाइम एंड दे प्रोड्यूस वाटर प्रोड्यूस अ वाटर वेपर. ओके, वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं उसे और वो इवेपोरेट होने लगता है, ऊपर जाने लगता है. ओके, नाउ अब इसकी रिवर्स प्रोसेस है. रिवर्स मीन्स अभी वाटर वेपर जो हुआ था, गैस जो बना था वो अभी फिर से लिक्विड वाटर बनेगा. ओके, सो गैसेस टू लिक्विड ये आज के हमारे प्रोसेस है. गैसेस टू लिक्विड मतलब वो अपने फॉर्म में एज इट इज अपने फॉर्म में वापिस आ रहा है. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पहले भी बताया था कि वो अपना बस अरेंजमेंट चेंज करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कैन नॉट चेंज. ओके, दे आर अरेंजमेंट्स चेंज. ओके, सो गैसेस टू लिक्विड ये होने के बाद जो लिक्विड लिक्विड फॉर्म में था जो वाटर वेपर बने थे, वाटर वेपर वो फिर से वाटर बनने वाला है. ओके, मतलब अपने पोजीशन ले रहा है. वाटर टू वाटर वेपर हमने प्रीवियस क्लास में क्या लिखा था, वाटर टू वाटर वेपर हुआ था. अभी ये वाटर वेपर फिर से वाटर बनने वाला है मतलब जो फॉरवर्ड हुआ था फिर से वो रिवर्स आने वाली है प्रोसेस. फॉरवर्ड गैसेस वाटर टू वाटर वेपर हुआ था, अभी वाटर वेपर टू वाटर होने वाला है. ओके, सो वो कैसे होगा, सो लिसन केयरफुली. वाटर वेपर चेंज बैक टू वाटर बाय कूलिंग हीट. वाटर वेपर चेंज बैक टू वाटर बाय कूलिंग हीट. वाटर वेपर जो ऊपर गए थे मतलब इवेपोरेट हुए थे, तो वो वाटर वेपर जो है वो फिर से चेंज होने के बाद कूलिंग होने के बाद मतलब ठंडे होने के बाद वो फिर से वाटर वाटर फॉर्म में आएगा. ओके, वाटर वेपर जो है वो वाटर फॉर्म में आएंगे. वाटर वेपर चेंज बैक वाटर बाय कूलिंग हीट. यहाँ कूलिंग होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, कूलिंग. पहले क्या हुआ था, आफ्टर हीटिंग दे स्टार्ट वाटर इज बॉइलिंग, बॉइलिंग होने स्टार्ट हुआ था और वाटर वेपर फॉर्म हुए थे. अभी ये वाटर वेपर जो है वो कूल होने लगेंगे. ओके, कूलिंग होगी. यहाँ पुट अ कूल स्टील प्लेट अबाउट द वाटर वेपर एंड कमिंग आउट ऑफ द पैन ऑफ द बॉइलिंग वाटर. हमको क्या करना है, ये जो एक्स
बहुत फैमिलियर है, मतलब हमें हम इसको हमेशा अपने डेली लाइफ में देखते हैं। पहले हम पानी गर्म करते हैं, आपने भी देखा होगा हीटिंग के बाद पानी गर्म होता है, उसकी बाफ बनती है, ऊपर जाती है। तो हम क्या करते हैं कि पानी जल्दी गर्म होने के लिए क्या करते हैं, हम उस पर प्लेट पुट करते हैं, पुट अ कूल स्टील प्लेट, पुट अ कूल स्टील प्लेट। हमको इस पैन में एक स्टील प्लेट पुट करना है, मतलब रखना है, हमको ये पैन पे ये जो स्टील प्लेट है वो रख देना है। एंड प्लेट अबाउ द वाटर वेपर, यहाँ हमको जहाँ हम पैन रखे हैं उसके ऊपर हमको वो प्लेट जो है वो ढक देना है। एंड वाटर वेपर आउट ऑफ द पार्ट ऑफ बॉइलिंग वाटर, आपने देखा होगा कि पानी अगर ओवरहीटिंग हुआ हो तो उसकी बाफ जो बनती है वो अपने फोर्स से वो स्टील प्लेट को ऊपर फेंक देती है ना। वो जो वाटर वेपर जो है वो इतना मतलब फोर्सफुली रहती है कि वो जो बाफ जो है वो प्लेट को ऊपर धकेल देती है। एंड आपने देखा होगा कि आप पहले गैस पे क्या रखते हो, गर्म पानी करने के लिए एक बर्तन रखते हो एंड उस पर एक स्टील प्लेट ढक देते हो, और उसके बाद जो वाटर जो हीट होता है वो हीट होने के बाद वो ऊपर जाता है, और वो ऊपर जाने के बाद उसके बाप जो है वाटर वेपर जो है उसके ड्रॉपलेट जो है वो इस प्लेट पर, आप देखे होंगे कि इस प्लेट पर वो ड्रॉपलेट फॉर्म में आ जाते हैं, ऐसे फाइन फाइन ऐसे ड्रॉपलेट फॉर्म होते हैं। आपने स्टील प्लेट को अगर उससे बाहर निकाला, पैन से बाहर निकाला, तो वहां ड्रॉपलेट फॉर्म होते हैं, वो वाटर पेपर के ड्रॉपलेट होते हैं। तो वो जो ड्रॉपलेट है मतलब वो पानी अगर कूल हुआ तो वो फिर से वाटर में, वो वाटर ड्रॉपलेट कूल हुए तो वो फिर से वाटर इस फॉर्म में आते हैं, मतलब एज इट इज वो अपना फॉर्म ले लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को जो बाप जो ऊपर जाके वो कूल होती है, तो उसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन मतलब कूलिंग होने के बाद जो ड्रॉपलेट फॉर्म होते हैं उस प्लेट पर, जो ड्रॉपलेट वो ठंडे होने के बाद, कूल होने के बाद वो फिर से वाटर बन जाते हैं, है ना, फिर से वाटर बन जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। हमने क्या क्या कौन कौन सी प्रोसेस देखी, पहले हमने वाटर को हीट किया, वाटर को हीट करने के बाद आफ्टर सम टाइम वाटर विल बी बॉइलिंग एंड बॉइलिंग दे फॉर्म वाटर पेपर पर हमने क्या किया, वाटर पेपर चेंज बैक, वाटर पेपर पुट अ कूल स्टील प्लेट ऑन अबाउट द वाटर पेपर, हमने स्टील प्लेट रखा, और स्टील प्लेट रखने के बाद क्या होता है, कमिंग आउट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉइलिंग वाटर, जो वाटर पेपर आ रहे हैं, ये वाटर पेपर निकल रहे हैं, जो वाटर पेपर निकल रहे हैं वो प्लेट पर क्या हो जाते हैं, इसे जमा हो जाते हैं, है ना। तो ये ड्रॉपलेट के हिसाब से जब यहाँ जम जाते हैं और तब वो आफ्टर सम टाइम में कूल डाउन हो जाते हैं, वो वाटर पेपर जो है वो प्लेट पर के कूलिंग होते हैं उसका, और कूलिंग होने के बाद वो फिर से अपने वाटर इस फॉर्म में आते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन से बोलते हैं। पहले इसमें हमने बॉइलिंग देखा था, इवेपोरेशन हुआ था ऊपर गए के बाद, अब ये कूलिंग डाउन की प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके, मतलब जो बाफ बनी थी वाटर से, वाटर पेपर बने थे, फिर से वो वाटर पेपर से वाटर बने थे। ओके, मतलब रिवर्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स से प्रोसेस होती। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर गैसेस टू लिक्विड, मतलब वाटर वेपर टू वाटर, ये फिर से चेंज होगा। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में, बाय, टेक केयर एंड